प्राची, आज मैं एक पेशेंट से मिली। डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में बताया कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। वो पेशेंट खुद भी जानता है कि वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन जानती हो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो मरने से पहले अपनी दोनों आंखें तुम्हें डोनेट करना चाहता है। नहीं नीलम, मुझे किसी की आंखें नहीं चाहिए। प्राची, तुम पागल मत बनो। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी आंखें आने से हम सब लोग बहुत। नहीं दीपक, अब मुझे यह अंधेरा ही अच्छा लगने लगा है। दीदी, आप पागल हो गए हो क्या? नीलम दी, आप उस पेशेंट को बोल के उसकी आंखें डोनेट करवा लो। प्राची, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्राची, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और बिना आंखों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। जब इतने साल बिना आंखों के जी लिए तो अब क्या फर्क पड़ता है नीलम? और वैसे भी अब इस उजाले से डर लगने लगा है मुझे। मुझे एक अजीब सा डर लगता है नीलम। प्लीज प्राची, ऐसे जिद मत करो। कम से कम हम लोगों के बारे में तो सोचो, अपने मम्मी पापा के बारे में तो सोचो। वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। प्राची, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी? नहीं, अब तो मेरा इस अंधेरे में दम घुटता है। और मैं अपने मम्मी पापा पर कब तक बोझ बनकर रहूंगी? हे भगवान, या तो तू मुझे ठीक कर दे या फिर तू मुझे इस दुनिया से ही उठा ले। मुझे अब और ऐसे नहीं जीना है, नहीं जीना है। हेलो प्राची। अरे अंजलि दीदी, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ तुम्हारे पास। आप कब आए? बस अभी, जब तुम अपने आंसू पोंछ रही थी। तुम रो रही हो प्राची? ऐसे दिन दिन भर तुम कमरे में बंद रहकर रोती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। तुम्हें पता है ना प्राची, तुम्हारे जैसे कितने सारे लोग हैं जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वो सारे काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी? जानती हूँ दीदी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अब मैं एक अपने मम्मी पापा पर एक बोझ बन चुकी हूँ। ऐसे नहीं बोलता, कोई भी अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं होता। प्राची, और तुम ऐसा बोल रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा और रानी भी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तुम ऐसे बोल रही हो? वेरी बैड। वो सब भी मेरी परेशानी से और परेशान हो रहे हैं। मैं अपने मम्मी पापा को अपनी वजह से और परेशान होते हुए नहीं देख सकती। देख क्या नहीं सकती दीदी, मैं तो अंधी हूँ और अब शायद सारी उम्र अंधी ही रहूंगी। ऐसे नहीं बोलते। I promise you, एक दिन तुम तुम्हारी आंखों से ये सारी दुनिया देखोगे। You believe me, right? लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारी हिम्मत रखनी होगी। राजी, तुम अपना ध्यान सिंगिंग में क्यों नहीं लगाती? मैंने सुना है तुम्हें गाते हुए तुम कितना सुरीला गाती हो, कितना अच्छा गाती हो। दीदी, मैं गाती हूँ नहीं, कभी गाती थी, लेकिन आजकल मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। चुप रहो। क्या कुछ करने का मन नहीं करता? क्या कुछ भी अच्छा नहीं लगता? पता है प्राची, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी गलत विचार आए, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, बिल्कुल मत सोचो। और मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारा सारा मन म्यूजिक और सिंगिंग में लगाओ, फिर देखना सब कुछ तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। प्राची, ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये इंसान को बेकार बना देते हैं, किसी काम का नहीं रखते। और मैं चाहती हूँ कि मेरी होनार प्राची बेकार नहीं बने। इसीलिए यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव, ओके? ओके दीदी, अगर आप कह रहे हो तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। That's like my good girl. अब एक काम करो, अपनी दीदी के लिए एक प्यारी सी स्माइल दे दो। ऐसे नहीं, क्यूट वाली। You know what? This is the cutest one. अब मुझे यहां से जाना होगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा अब नो रोना धोना,
ओके दीदी, चल बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, यू टू टेक केयर.